होली का पर्व होने के नाते हम इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दो दिन पहले मना रहे हैं। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कर्नल धनीराम शांडिल जी जब अपना वक्तव्य दे रहे थे और एक कविता का इन्होंने यह संज्ञान दिया तो मैं समझ रहा था कि असली शक्ति जो महिला की है वो उस सार में, महिला माता है, महिला बेटी है, महिला पत्नी है, महिला बहन है। समाज कोई भी तब तक उन्नति नहीं कर सकता जहां महिलाओं को उचित दर्जा ना दिया जाए, सम्मान दृष्टि से ना दिया जाए। और भारतीय समाज की अगर आप परिकल्पना करते हैं तो ये आज से नहीं, अगर आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे, महिलाओं का एक अपना स्थान और एक अपनी दिशा देने की शक्ति हमेशा महिलाओं से मिली है। बड़े बड़े ग्रंथ देख लीजिए, महिलाओं ने समाज को दिशा दी। मैं ग्रंथों की भूमिकाओं में न जाकर आजाद भारत की उन महिलाओं का व्याख्यान करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी महिला शक्ति के ताकत पर समय समय पर इस देश को और इस समाज का प्रतिनिधित्व किया। जब 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उस समय महिलाओं की संख्या ना के बराबर थी, लेकिन सरोजिनी नायडू पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्षा बनी और बाद में यूपी की गवर्नर बनी। और जिस समय ये देश आजाद हुआ, इस आजाद देश में सुई तक नहीं बनती थी, महिलाएं लंबे लंबे घूंघट में रहा करती थी। अगर हम अपने माताजी को देखिए, अपने पूर्वजों को देखिए, तो आज भी वो पुरुषों से थोड़ा सा हटके रहती। आप अपने गांव में देखिए, पर इस समाज ने, हिंदुस्तान के समाज ने महिलाओं को हमेशा आगे आने का मौका दिया। और पहली सूचना प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी और पहली देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। उस समय महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। हमारे समय में भी जब हम पढ़ते थे तो जो हमारे महिला थी कॉलेज जाना होता था तो उसके साथ एक आधा लड़का साथ चलता था। जब समाज ने तरक्की की, महिलाओं ने आत्म सम्मान के साथ आगे बढ़कर कदम से कदम ताल मिलाकर इस समाज को मजबूती हमेशा प्रदान की। और महिला दिवस इसलिए नहीं मनाया जाता कि महिलाओं को घोषणा दे कर दी जाए, वो इसलिए मनाया जाता है कि आपकी ताकत जो आपके अंदर छिपी है वो किसी ना किसी रूप में, जहां परिवार की सेवा करती है वहां समाज की सेवा भी करती है, देश की सेवा भी करती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।